मथुरा कड़ाके की ठंड का फायदा उठाकर अज्ञात चोर बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गए। एटीएम उखाड़े जाने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लेकर मामले की जांच में जुट गई है। यह है मामला। बता दें कि मथुरा के छाता कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 स्थित वेकमेट कंपनी पर लगा आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम मशीन को आधा दर्जन के करीब शातिर चोर उखाड़ कर ले गए। सुबह जब एटीएम सुरक्षा कर्मी यहां आया तो उसने एटीएम मशीन के ताले टूटे हुए देखे। ताले देख एटीएम सुरक्षा कर्मी घबरा गया और आनन फानन में घटना की सूचना बैंक मैनेजर को दी। जानकारी मिलते ही बैंक मैनेजर मौके पर पहुंचे और एटीएम चोरी की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एटीएम मशीन के आसपास का निरीक्षण कर वहां से साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं एटीएम में रखे करीब 36 लाख नकदी को चोर एटीएम सहित चुरा ले गए। सुबह जब नौकरी पर आया टूटे मिले ताले एटीएम मशीन। सुरक्षा कर्मी सूरज चौधरी ने बताया कि मैं सुबह ड्यूटी पर आया तो मैंने यहां ताले टूटे हुए देखे। मैंने तुरंत ही बैंक और पुलिस को सूचना दी। जब मैंने शटर उठा कर देखा तो वहां से एटीएम मशीन ही गायब मिली। जल्द मामले का किया जाएगा खुलासा। मामले की सूचना पर पहुंचे एसपी देहात आदित्य शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया एटीएम चोरी जाने की सूचना मिली थी। यहां से एटीएम हमें गायब मिला है। टीमें गठित कर दी गई है और मामले में तेजी लाई गई है। कार्यवाही में यह भी कहा नहीं जा सकता कि एटीएम के अंदर कितना कैश था, लेकिन बताया यह जा रहा है कि सभी लोगों की सैलरी उसमें डाली गई थी। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। जो भी दोषी होंगे कठोर कार्यवाही कर उन्हें सजा दी जाएगी। एटीएम में ले चोर चुरा कर ले गए, कितना कैश था और क्या रहा है? ये जनपद मथुरा में थाना काका के अंतर्गत ये आज रात में घटना हुई है। इसमें चोर एटीएम ले गए हैं। कैश कितना है इस बारे में अभी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं हो पाई, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि सैलरी आज भी इसमें आई थी तो कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। और हम लोगों ने मौका मुआयना किया है और चारों तरफ टीमें भेजी है। पता लगती है की जा रही है। घटना का सही जनावरण करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कितनी टीमें लगा दी गई हैं इसके लिए? इसके लिए एसओजी है, स्वाद टीम है, अन्य कई थानों की 3-4 थानों की फोर्स लगी है। क्योंकि पूर्व में भी एक घटना इसी प्रकार कारित हुई थी तो इसका कुछ हरियाणा तरफ सुराग लगा था। हमारी टीमें रवाना है, हम लोग भी क्षेत्र में मेहनत करके इस घटना को खुलासा करने के लिए लगे हुए हैं।